और मल्लिकार्जुन खड़गे जी सहित 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और सबने करीब करीब मुझे लगता है इस बिल का समर्थन किया है, इसलिए मैं सबका आभार भी प्रकट करता हूं। मैं सभापति जी, जो हमारे जेपी नड्डा जी जब बोल रहे थे, उभय भारती का एक इशू आया, निर्मला जी ने भी कहा, तो मैं एक उसका आगे की एक कड़ी बताना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी कैसे जीते और मंडन मिश्र कैसे हारे, क्योंकि उभय भारती को मार्केट जाना पड़ गया, बाहर कहीं जाना पड़ गया, तो दोनों बहस कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, जैसे अभी संसद में डिबेट हो रही है। तो हाँ, विदुषी भारती, यस, तो विदुषी भारती ने कहा मुझे बाहर जाना है, मनोज जी बाहर जाना है, मुझे आपका जो आप डिबेट करते रहो, तो उन्होंने कहा आप तो बाहर जाओगे, आप डिबेट करते रहो, आप कैसे जज करोगे कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन विदुषी भारती ने क्या किया, दो फूलों की नेचुरल मालाएं, एक अपने पति को पहनाई और एक शंकराचार्य जी को पहनाई, और जब 3-4 घंटे बाद वापिस आई तो उन्होंने अपने पति को हारा हुआ डिक्लेयर किया और शंकराचार्य जी को जीता हुआ डिक्लेयर किया। तो अपने पति ने पूछा कि ऐसे कैसे किया, तुम तो बाहर थी। उन्होंने कहा मैंने खुशबू की जो फूलों की माला थी नेचुरल, वो आप दोनों को पहना के गई, डिबेट के दौरान आपको गुस्सा आ गया जिससे आपकी माला सूख गई, और शंकराचार्य जी गुस्सा नहीं आया इसलिए वो माला सूखी नहीं। इसलिए विदुषी महिलाओं का ये जो काम है, अगर ऐसी महिलाएं आएगी संदर्भ में तो निर्णय सात्विक होंगे, हमें भी ज्ञान देंगे और अच्छा निर्णय करने पाने में हम सक्षम होंगे। ऐसा बिल मोदी जी ने के नेतृत्व में हम लेकर के आए, सबने अपने समर्थन जताया। अब आप खड़गे जी को अभी गुस्सा आ रहा था, केसी वेणुगोपाल जी को आ रहा था, मैं अब अगला बिंदु सर, ये सारा अधिकतर बता दिया माननीय मंत्री जी। आप सौभाग्य हैं, आपका परम सौभाग्य है कि आपके बिल का समर्थन पूरे सदन ने किया। ऐसी परिस्थिति में अब कोई आक्रोश की गुंजाइश नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीजें तो मैं बताऊंगा, दो चार चीजें सभापति जी, क्योंकि ये नए विषय, जैसे अभी ये विदुषी भारती वाला विषय आया, कुछ नए चीजें आएगी। चलो मैं एक विषय जिसका जिक्र गीता मुखर्जी कमेटी का जिक्र आया, लेकिन इसमें सदस्य कौन कौन थे उसका उल्लेख तो करना चाहिए और सदन को जानना चाहिए। ममता बनर्जी उस कमेटी में सदस्य, मीरा कुमार इस कमेटी में सदस्य, श्रीमती सुमित्रा महाजन इस कमेटी में सदस्य, शरद पवार इस कमेटी में सदस्य, श्रीमती सुषमा स्वराज इस कमेटी में सदस्य है, डॉक्टर गिरजा व्यास जो राजस्थान से आती थी वो इस कमेटी में सदस्य है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस कमेटी में सदस्य है। उनका तो उल्लेख करना ही पड़ेगा ना, बड़ा योगदान दिया इन लोगों ने, इस बिल को रूप देने में योगदान दिया, हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ, 11वीं लोकसभा भंग हो गई, 11वीं 12वीं 13वीं, इसका सारा जिक्र निर्मला जी ने भी किया। लेकिन मैं इन सभी जो हमारी दो तो हमारी स्पीकर रही साहब, सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार तो स्पीकर रही, और सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष रही, आज मैं मन से इन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल को इस रूप में लाने के लिए प्रेरित तो किया। अब कह रहे 27 साल लगे, उस समय भी प्रयास किया था, लेकिन अब खड़गे जी अभी कह रहे थे कि ये कब आएगा कैसे आएगा, आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, सब संभव है, चिंता मत करो। आप मैं अब 2-3 बातें और सभापति जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, और थोड़ा बताना भी चाहता हूं कि ये ओबीसी प्रेम बिल की चीजें काफी आ गई, मुझमें जो अधिकतर बिल की जो चीजें आई है डिस्कशन में, वो सेंसस था, डिलिमिटेशन था, रोटेशन था, ओबीसी का विषय था, क्लॉज 5 का भी जिक्र एलओपी ने किया, ये सब चीजें थी।
ये सब चीजें थी, लेकिन लेकिन आपके अचानक ये ओबीसी प्रेम अचानक अभी आपके ओबीसी प्रेम कैसे याद आया मेरे समझ में नहीं आया। आप तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। 1951 में बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और उसमें उन्होंने 4-5 कारण गिनाए थे, लेकिन एक कारण यह भी गिनाया था कि नेहरू जी आपने वादा किया था कि ओबीसी समाज के लिए वेयरफेल के लिए मैं कमीशन बनाऊंगा, आपने कमीशन नहीं बनाया इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तब से आप तो ओबीसी के खिलाफ थे, आप अभी कैसे प्रेम जाग गया आपका? तब से लेकर के और जो संवैधानिक दर्जे का मामला था वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ, आपके कालखंड में तो वो भी नहीं हुआ। कैसे आपने पता नहीं प्रेम आपका जाग गया? ये राजनीतिक कारण से जागा होगा। मैं एक विषय योजनाओं का जिक्र आया, एक चीज योजनाओं का जिक्र आया, उसमें एक चीज सभापति जी कहना चाहता हूं। योजनाएं ठीक है सभी ने बनाई होगी, सब बनाते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में जो योजनाओं की स्थिति बेहतर कैसे हुई उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। पक्का मकान बनाने की योजना थी और हमने सबने देखा एक पंचायत में 2 या 3 टारगेट आते थे। प्रधानमंत्री जी 2014 में आए, प्रधानमंत्री आवास योजना आई और एक ग्राम पंचायत में जहां 3 और 4 टारगेट आते थे वहां 300 और 400 टारगेट आने लग गए। राशि 43,000 होती थी जो 1.5 लाख हो गई और कुछ राज्य सरकारों ने सहयोग किया तो 2.5 लाख हो गई। कहां 3 और 4 टारगेट, कहां 300 और 400 टारगेट, कहां राशि 43,000 और कहां राशि 2.5 लाख तक पहुंच गई। और उसके बाद स्केल और स्पीड तो बढ़ी, उसके बाद जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, आप वीडियो से मंगाओ, कलेक्टर से मंगाओ, सारी प्रक्रियाओं में उसको किस्त मिलती नहीं थी, तो ये सारी प्रक्रियाओं को समाप्त करके जियो टैगिंग करके सीधा डीबीटी में पैसा दिला दिया, ये इंपावर्ड किया महिलाओं को, इसलिए योजनाओं का जिक्र करना जरूरी था। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा कोई विषय आया कि आप अलग अलग सोचते, होलिस्टिक अप्रोच से सोचते हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए